देव लेरी, अरे महादेव लेरी, अगड़ बम 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 अगड़ बम महादेव लेरी, बम बम महादेव ऐसा मुक्त में गंग फिरे बंसी भगेरी, प्रभु कथा स्वरूपम वैदि स्वरूपम
अरे डोकरा तीन लोक और चौदह भुवन अरे डोकरा तीन लोक और चौदह भुवन हे माया हरी हे माया हरी ओ खेमदास मेरा भी बोलिया ओ खेमदास मेरा भी बोलिया अरे लाज रात मारी अगड़ पम महादेव लेरी पम पम महादेव लेरी ओ धता मुक्त में बोलो शंकर भगवान की हो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। बांग ने धतूरा गोटिया और डोकरो नशा किया लेरी गिरी मेर भाकर रहे माते घूम रहे शहरी। अब इतो समुद्र मंथन हुयो और उठे डोकरो विश्वान भी है जो को मां देव जी रे खटियो जहर बांग है धतूरा है ए डोकरे ने भोलाई उड़ाए अपर हीर करे बसरी बात को क्यों? क्यों आगे दो कोई भोंग पियोड़ा गहरी भोंग में चका चक हेलो और दो ही नशे रमाइने गहरा और रोड रोड चलता एक भाई रे भोंग हल्ली होगी जो उठे हेटो पड़ गयो। अब रोड रे माते एक किलोमीटर लागोड़ो उन माते लिखियोड़ो मथुरा 120 वो दूसरो बोले रे भाई अपन कोई किसी कब्रिस्तान के अंदर आ गए। वह भांग पियोड़े थोड़ी गांव खुली के हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है ये कब्रिस्तान है जरा देख ये नूरिया जमालिया किसकी कब्र है के मथुरा नाम का आदमी था और 120 साल का होके मरा है। बोलो शंकर भगवान की तो है तो नशेरी बात है जो को डोकरे रही बस भी बात है अपन तो चकना चूर हो जाते हैं नशा नशा न माई नशों काट दिया लत है खोटी क्यों नशे से सब दूर होना ये समाज से मेरी विनती है। जांगीर समाज को अपने युवा भावी पीढ़ी है नशों से बच के रहना है ये गलत लत है कोई प्रकार रो नशो है और बिल्कुल खराब है क्यों सबसे बड़ो है जो नशो अमल रो गांव रे मायने मारा भाई चौपालो बे बोक रे जाला साहब कहता के भाई अरे सुन लो रे भाईड़ा ओ सुन लो रे भाईड़ा अमल ते छोड़ दो रे सुन लो रे अमल ने जवानी में सी को अमल ने जवानी में सी को थारो रंग पड़ जावे थी को थारो रंग पड़ जावे थी को पते झील को डाले जी को आ
अरे पछे जेल गोडाने थी तो अमल के छोट दो रे, सुन लो रे भाईड़ा, सुन लो रे साथीड़ा, अमल के आपके समक्ष ये नशा मुक्ति भजन की प्रस्तुति देने जा रहा हूं। इनसे शिक्षा लेनी है, मेरे युवा साथियों से करबद्ध निवेदन। अमलरी आदत सबसे खोटी, अमलरी आदत सबसे खोटी, दे पारा तिमो ठंडी रोटी, दे पारा तिमो ठंडी रोटी, पछे काटो कालिया मोटी, अमल दे छोट दो रे, आप छे काटो कालिया मोटी, अमल में छोट दो रे, सुन लो रे भाईड़ा, सुन लो रे साथीड़ा, अमल में छोट दो रे। नशारो त्याग करो सब भाई, नशारो अरे नशारो त्याग करो सब भाई, अमल ने सब मिले छोटो भाई, अमल ने सब मिले छोटो भाई, अरे थाने जाला के समझाए, अमल के छोट दो रे, थाने जाला यू समझाए, अमल के छोट दो रे, सुन लो रे भाईड़ा, अमल के छोट दो रे, सुन लो रे साथीड़ा, अमल के छोट दो, अमल के प्रकार समाज रे मायने बहुत बड़ी कुरूति है। नशा मु आपा गिर जावे और इतनी कमजोरी आ जावे, जको एक रो भी मामलो गड़बड़ हो जावे तो देश तो भावी पीढ़ी माते टिकियो डोए। इन प्रकार ए नशा नशा रे मायने सबा गलत लत है और समाज रे मायने जिता अपारा टाबरिया पड़े ना इतई आपा विकास कराला। क्यों पढ़िया बिना की नहीं, गुरु महाराज एक साक्षरता रे ऊपर अपारे बच्चा ने भी भावी पीढ़ी ने समझावे। अरे बाग ने बगे दो यरी, अरे फूलिया मन मोवन मारा रे, फूली चंपेला यरी जो भैंसड़े जा रही दूनिया।
तोरी सीताओं खरी द्वारिका राधा रानी हो जावा बासुरी यारी लारी संगड़ा में ए नाथ जीवड़ो अरे नखरालो पंछी वो भी ओ जी मन मोहन मारा रे भावरे बटोई पड़ी भगवान और नारद जी मन में बैठा बैठा विचार करियो एक बार राधा रानी ने किनी प्रकार सु छलनी द्वारिका जावे बोले मैं बांसुरियां भूल गया राधा जी के प्रभु मैं ही थारे सागे चाला के नहीं आप यूं करो रसोई पानरी कोई सामग्री तैयार करो जड़ मैं घूमन आवो अठी ने राधा जी और उर्मादासी रसोई रे मोई ने थोड़ा काम धंधे में लाग गया और नारद जी और कृष्ण भगवान सीधा राम सरोवर पहुंच जावे और ऐसो मणियारे रो रूप धारण करियो और नारद जी ने कहे भाई घड़ी एक थने बल दियो बनो पड़ी बोले महाराज आप मारो नाक दोरो गुणो पिंदो मने बलद क्यों बनाओ के तू हचलो कोरे क्यों अठी उठी करतो ही रे नारद जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता उसका नाम है नारद और ये तो प्रमाण पुराण में आयो कि जटे नारद जी नहीं पहुंचे उठे भगवान भी नहीं आया दुर्जी रे सबसे पहला नारद जी आया प्रहलाद जी रे सबसे पहला नारद जी आया भक्तों री कोई भी सार हुई पहला नारद जी ली उन बाद में भगवान ने रिपोर्ट दी अरे चाय बनगी उठो मती मृत्यु लोक रे मायने भक्त दुखी है तपस्या बरस हजार की सतसंगत पल एक जिन बराबर तुली नहीं सुख दे विवेक
कुसंग में कर कुसंग चात कुसल तुलसी ये अफसोस महिमा घटी सागर तणी जद रावण बसत पड़ोस राम नाम की औषधि तू खरी नीत से खाय अंग पीड़ा व्यापे नहीं थारो रोग भस्म हो जा राम नाम की औषधि तू खरी नीत से खाय अंग पीड़ा व्यापे नहीं थारो रोग भस्म हो जाए पर आज ये कलयुग का दौर चल रहा है कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरे हूं पारा क्यों आप आलसू हो गया तो संत महात्मा ही कम को हानि इतनी छूट दे दी कलयुग रे मायने केवल राम राम करने से जीव का भला होता है सजनों सत्युग 17,28,000 वर्ष का सत्युग फिर बाद में आया त्रेता युग तो सत्युग रे मायने भगवान विश्वकर्मा जी रा अवतार किता हुआ पांच कच्छ मच्छ वरा नरसिंह और बावन ये पांच अवतार सत्युग रे मायने हुआ फिर बाद में आया त्रेता युग रे मायने 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग जिन मायने भगवान विष्णु रा अवतार किता हुआ दो रामा अवतार और परशुराम अवतार फिर बाद में आयो द्वापुर 8,64,000 वर्ष का जिनमें अवतार हुआ विष्णु भगवान रा दो कृष्ण अवतार और बुद्धा अवतार और ये चल रहा है कलयुग 8,64,000 का आधा कर लो 4,32,000 का सजनों 5673 वर्ष निकल गया 73 वो चाले मां भारत हुआ ने इतो ही समय हुयो है अजय तो कलयुग है जो को छाया पड़ी है पाद ने रमाय ने साइकिलो चलावे बुद्धि इतनी खराब होगी अभी तो सब बाकी है बोला भक्त और भगवान की तो कलयुग में केवल राम राम करने सुई भलो हो एक चेलो गुरु महाराज रेखने गयो गुरु महाराज पूछियो रे बेटा जुगती चाहिए के मुक्ति ए बेटा के हां गुरुदेव के जुगती चाहिए के मुक्ति चेलो के बाप जी कोई जुगती चाहिए ने कोई मुक्ति दोबोक दे दो मुक्ति जो मिटो मुंडो कर लो बोलो सतगुरुदेव की अब मांगो तो एड़ी मांगो आरती रमानी इतनी लिस्ट बनियोड़ी जारे घर लक्ष्मी आवे नव निंद हो जावे तो भगवान री आरती कट करी आपा तो हैंग आपा ने मतलब रोज कराओ बालाजी ने एक चॉकलेट चढ़ा दी इनके हनुमान जी मैं पाछो आऊं जड़ो मारो काम होनो से जी क्यों नौकर है यहां पर है एक चॉकलेट हूं हनुमान जी राजी थोड़ी वे राजी तो प्रेम से होते हैं जितने भक्तों के भक्त भगवान आए हैं प्रेम के वसीभूत देखो बक्सुराम जी रो पेड़ो फूट दियो भगवान पर वन सासो भाव हो गाड़ी रो पेड़ो फूट दियो ये नागौर में भक्त वे हैं बक्सुराम जी और केड़ो केड़ो रूप धारण करियो खाती कृष्णा जी मारी घड़ दो गाड़ी नरसिंह मैं तेरे भगवान सुतार रो रूप धारण करना आई गया तो देखो एड़ी लीला है प्रभु री तो सत्संग है जो संसार में सबसे बड़ा है पहले एक भजन सत्संग महिमा का क्यों सबसे बड़ा ये है सत्संग सत नाम सात का है संग नाम सात का है उनका संग करो असत्य का विनाश हो जाता है जागरण जाके कुछ ग्रहण करना उनका नाम है जागरण औज को करने जागरण थोड़ी वे गया सरुण जी आयोडा ने है ग्रा जागता रहे वो औज के हूं जागरण नहीं वे औज के हूं जागरण वे जनो तो टरबा चलौनिया है ग्रा तो क्यों फाड़े रोड़ो माते जागरण गिनी जे को गिनी जे है? ये तो भाग्य की बात है भाग्य वे जब ने हर कोई सत्संग मिले मैं न तू कोई करोड़पति हुई हो वे तो कर्मों की बात है भगवान किनको कितना देना है क्या देना है
सब वही है। तू ही नाम तारण सभी काम सारण, धरो उसका धारण निवारण। जो करे नथा दंत वाकू दिया दूध माकू, खबर है खुदा ने सबर जो करे। ढूंढ अपना सीना मिट जाए दिल का किना, उधर दिया है नाथ वो आपे ही भरे। काय की चिंता कर रहा मेरे भाई। भगवान माता रे गर्भ में ओ जीव हो उठे अपने दूध री व्यवस्था करिए उठे भी तो आप किन बात री चिंता करो। भगवान पूर्ण वाले हैं। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। बाहर सज्जन खड़े उनसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि थोड़ी थोड़ी जगह करके यथा स्थान बैठ जाएं। और अरे भाई चालो मन सत संग करारे बीरा कटेरे करम राजा। अरे बीरा हालो मन सत संग करारे बीरा कटे करम राजा जी। वाह भाई तेरे पास शुभ। अरे रूप से मलिया गिरी रे, अरे रूप से बिरा सब बन मलिया होय।
बलिहारी उन ये रूखड़े ने बलिहारी उन रूखने ये जड़का जा भड़े हो ये अरे भाई हालो मन सते संग करारे विराजते करम राजा अरे भाई हालो मन सते संग करारे विराजते करम राजा संग हे तपस्या बरस हजार री ओ भाई सतसंग तपले हे सतसंग तपस्या बरस हजार री रे सतसंग तपले अरे दिन सुख राम गुरु शरण में दिन सुख राम सदन में वो पायो सतसंग भेद ये भाई हालो मन सत संग करारे विराजते करम राजा अरे भाई कालो मन सत संग करारे विराजते करम विश्वकर्मा भगवान की जय हो। बोलो बजरंग बली महाराज की जय हो। चालो मन सत्संग करा कटे करमरा झाड़। ब्रंग कीट रो गुरु कहिए और ब्रंग कीट ब्रंग संग लिपटाए पर पाखियां भंवरो भयो और उड़ियो भंवर के लार। सजनों ये सत्य प्रमाण है। भंवरो आजरे दिन तीन प्रकार लठ हुए उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। सब उत्तम कीट है जो भंवरो पकड़न लावे माटी रो घर गाले और आपरा शब्द दे सुनावे सेम आपरे जेड़ो करन उड़ा दे। मारा गुरु साहब भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे दे गरनाटो शब्द सुनावे वोई भंवर उड़ जावे। अरे गुरा सा बिना कौन प्रेम जल पावे कुंपारा नीर किन विद सूके सीर शायर मु आवे। अब पहला गुरु है भंवर। दूसरा गुरु पारस रूपी जो को लोरे माते थोड़ो खेड़ को लागो वे तो सोनो बना दे। अब संतोना ही उदाहरण है। अब पारस पत्री है जो को लोरे माते स्पर्श होता ही सोनो बन जावे। तो एड़ा कोई महापुरुष है जो को सत्संग रे माई बिराज जावे इन दो शब्द अगर मिल जावे तो महापुरुषों रे शरण में जाऊं तो अपने खेड़ को लागे बारो शब्द है वो ही गुरु है। गुरु कह कि नहीं शब्द शब्दों मारा मर गया शब्दों छोड़िया राज जिन जिन शब्द विचारिया मारा सरिया काज। गु नाम अंधेरा है रू नाम प्रकाश उन्हें कहवे गुरु। जो को जीव माया रूपी अंधेरे में इन संसार में लिपाई मान है और भगवान रो भजन रो रस तो लियो नहीं तो गुरु महाराज उन्हें अंश ने जगा और भगवान रे भजन में लगा दे वो ही समर्थ सतगुरु है पारस रूपी गुरु। तीसरा है मलियागिरी चंदन। एड़ो मलियागिरी रो पेड़ उग जावे बनास पत्र मायने और पड़ोसी पौधा में खुशबू चंदन जी कर दे। कहने रो तात्पर्य है एक सजन अगर हो जावे मां पुरुषों रो संग हो जावे तो सबर मायने आप रे जड़ा रंग भर दे। जगह जगह रो फर्क है सजनो। सत्संग में बैठा हूं तो सब आनंद ले रिया हूं क्यों आज इन मायने डुबकी लगा रही हूं। पहला भी बतायो कि इनमें जितनी डूबकी लगाऊंगा इतनी गहराई रे मायने अपन डूबला नहीं
यार उन गंगा जी मैंने नावने जाओ पाँव फिसल गयो तो लियो जा सके। ये सत्संग गंगा है, चार प्रकार की गंगा है। एक तो जगतारण गंग अवतरी भजन करण को भंग, एक तो गंगा जी महादेव जी रे जटा मुंह प्रकट हुआ, और एक सत्संग गंगा है, और एक आकाश गंगा है, एक नियात गंगा है। नियात गंगा रे जचकी वे तो तार दे ने अबोलो दी दियो वे तो मेल दे। बोलो सत्संग महारानी की जय। तो उदाहरण है, एक महात्मा रे कोई कुटिया रे मायने एक चोर भड़गो, दस एक दिन महाराज रो चेलो बनने री नीतियो, और उठे नगर में सुनियो कहीं के महाराज रे कने है जो को पर्स पत्री, महाराज रे कने पर्स पत्री है। चोलो चोर बेटो देखियो के आ पर्स पत्री है जो को दस एक दिन महाराज रा चेला बिन जावो, एर है कटे जो को ले लुआ ना और जो करोड़पति बिन जावो, लो रे टच करियो बना दी। अब वो चेलो है जो को आठ दस दिन बढ़िया महाराज री सेवा करी है। एक दिन गुरु महाराज कहे बेटा थोड़ा ध्यान रखना आश्रम में, मैं थोड़ा स्नान करना आऊं गंगा जी माते। महाराज हंपाड़ो करने गया चेलो, ढुको जको हैंग सफाई अभियान करनो चालू कर दिया, हैंग खड़ून जा कर दिया। महाराज रा पोती पांदड़ा रे सब अटीरा अटी बिखेर दिया, मेरी बाप पतरी लादी को। जड़ गुरु जी आई जा रहे बेटा कहीं करे कैसा स्वच्छ भारत मिशन है कहीं कैसा आश्रम में बिखेरो पड़ियो, आज आप कौन अट करे सफाया, मैं तो सब जमा रही हूं बढ़िया। क्या ठीक बेटा, महाराज तो क्यों मन लके सो मानवी, तन लके सो साध, तन मन री दोनों लखे उनका मता अगाध। संतों ने तो ठा पड़ गई कि बेटे री नीति तो है पार्श्वपत्री लेनी, पर तू चावे कहीं कि मैं पार्श्वपत्री चाहूं। महाराज मैं तो हुई हूं आपरे पास में पार्श्वपत्री है। गुरु महाराज मुस्कुराया बोले बेटा पार्श्वपत्री तो है पर थन लादी को नहीं। के नहीं महाराज ले कैडी बोली बात करी लादी को लो आल डब्बी में पड़ी। चलो कहे आपो मस्करी करे, मैं तो हुनी हूं के लो आल डब्बी में पड़ी तो बा होने री क्यों नहीं हुई। अब जेले रहो एकदम राम, अगर किसी ने प्रसाद ग्रहण नहीं की है तो अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि ऊपर प्रसाद की व्यवस्था है और महाप्रसाद जरूर ग्रहण करें, क्योंकि प्रसाद के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। महाप्रसाद है जरूर ग्रहण करें। कवि गंग लिखे भूख में राज तेज घटे, भूख में सिद्धि की बुद्धि यूं आरी, भूख में रे कछु व्यवहार ना, भूख में कन्या रेत कुंवारी, भूख में काम निकाम तजे और भूख में पुरुष तजत नारी, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर चारों वेद ते भूख है न्यारी। तो भोजन जरूरी है शरीर वास्ते, जरूर ऊपर भोजन करें। और बाहर जो सज्जन खड़े उनसे फिर से अनुरोध है कि थोड़ी थोड़ी अंदर जगह करके हॉल में विराजमान हुए, और नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी है तो नीचे से सुरेश भाई आए उनका आदेश है कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करे, बाड़ी के बाजू में पार्किंग की व्यवस्था है प्लॉट में, तो गाड़ियां वहां पे खड़ी करें ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आउन दो सर उनको सतगुरु बिन सोजी नहीं, सोजी सब घटमा रजब मकीरा खेतरी ऐ चिड़िया ने गमना। गुरु महाराज के शिष्य चरणों में अर्ज करे और भाव प्रकट करे। गुरु महाराज री चरण वंदन। अरे दिन गुरु साहु मारा ज्ञानी गुरु सा, मोटी मोटी माला फेरू पानी गुरु सा, दिन गुरु साहु मारा ज्ञानी गुरु सा, मोटी मोटी माला फेरू पानी गुरु सा। तो प्रेमी सुनो हमारे पूज्य गुरु स्वर्गीय मोहन जी जाला साहब का ये लास्ट प्रोग्राम था कैसेट का, जिसमें इस धुन पे गुरु महिमा का भजन गाया उन्होंने,
और उनकी दी हुई प्रसाद को हम आपके समक्ष बांट रहा हूं मैं। गुरु साहु मारा ज्ञानी गुरु साहब मोटी मोटी माड़ा फिर भारी गुरु साहब गुरु साहु मारा ज्ञानी गुरु साहब जीव तर से गुरु आपरे बिना स्वरूपी मार सतगुरु कहिए की पकड़ दिया उतारा पवर स्वरूपी मार दिन गुरु कहिए की पकड़ दिया उपकारा ये शब्द गुरु दिया रे बोला मोटी मोटी माड़ा फिर भारी गुरु सा ये शब्द गुरु दिया रे बोला मोटी मोटी माड़ा फिर भारी गुरु सा गुरु साहु मारा ज्ञानी गुरु सा जीव तड़पे गुरु आपरे बिना जीवड़ो कर से आपरे बिना जा हो पारस स्वरूपी मारा दिन गुरु कहिए लोहा पलट कंचन कर दइए पारस स्वरूपी मारा सतगुरु कहिए लोहा पलट कंचन कर दइए आव सुनारे माई जियो बिकवा आव सुनारे माई जियो बिकवा मोटी मोटी माला फेर उठारी गुरु सा दिन गुरु साओ मारा जन्नी गुरु सा तड़पे गुरु आप बिना मोटी मोटी माला फिर थारी गुरु सा हरी के गुण गा मोटी मोटी माला फिर भारी गुरु
के दुनिया मोटी मोटी माला फिर थारी गुरु सन इन गुरु साहू मर गया मैं गुरु सन जीव तर के गुरु आप बिना मोटी मोटी माला फिर थारी गुरु जीव नो तर से आप बिना बोलो सतगुरुदेव की जय हो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। जय बोलो सभी हाथ खड़े करके जय बोलिए। बोलो बजरंग बली की जय हो। क्या बात है, अब भीड़ उठन दो और मार खड़ो कोनी उन्नो है बोटा में हो कहीं तक कोई आइडियो लगा दे ला के हमारा बोट कितना इन वास्ते हाथ खड़ा कराया। बहुत बड़ो रहस्य है हाथ खड़ो करनो। भागवत रामायण पुराण में लेख आयो कि जो जीव अगर कोई नाडी सरोवर तालाब उनमें कोई डूब रियो है तो पूरु पानी में जातो रे लारे हाथ इज रेवे जन आपो पड़ोसी कोई उबा दे कहो ए वो मर रियो है वो मर रियो ने वास उन्हें पाचो दौड़ निकाल ला तो संसार एक बहु सागर है। और इन मायने आप हाथ खड़ा करन परम पिता परमेश्वर जगत गुरु विश्वकर्मा भगवान रो जयकारो करो तो गुरु जी नहीं ठा रही गई ता जीव डूब रिया दे देनी रान आपने तार ले। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। बहुत बड़ा रहस्य महात्मा लोग लिखे हैं कि गुरु गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका फीका नेम आचारा पति बिन नार किसो पद पावे विधवा ने सिंगारा। इन मापिक वो जीव घूम रहा है भटक रहा है जिसने सतगुरु ना किया उनका हृदय मलिन सात जन्म के बीच में रहा दीन का दीन। गुरु बिन माला फेरनी गुरु बिन करणो दान गुरु बिन दान बेकाम है चाहे बाचो वेद पुरा। पहले सतगुरु की शाखा है तो गुरु महाराज एड़ा करो नकल करन कोई गुरु करे तो नो फोड़ो पड़ जावे। एक दृष्टांग है कोई जंगल में शेर बुडो हो गयो शेर बुडो हो गयो तो नो हियाल जी ने हेलो करियो रे भाई हमें मारे थोड़ी आंतड़ियां अंतर पड़ गो नजर कमजोर पड़ गई बुढ़ापो आए गो मारू कोई शिकार है जो को पकड़ में वह कोनी जो थने कई दिन हाजरी भरनी पड़ी। हियालियो कह महाराज पोटान बुलावो नेड़ा और को करियो तो यहां निकल जाइए के नहीं थारे हाथ में धोखो नहीं करूं रे तो सुन तो भरो कहीं करनो मन बस कहीं नहीं करनो 20 फुट मारा सू आगो बैठ जाजे और मारी आंख लाल वे उनटे मन इशारो कर दे जे मैं शिकार पकड़ ले। 15-20 दिन तक तो हियाल जी या नौकरी करी पर आखिर में तो हियाल जी रही फिल्टर में कचरो आ गयो। आप किना चेला बनो आप तो कोई जान बढ़िया चेली ठा हियाल जी उठू गया जो लौंकी बाई ने चेली कर ली के हुने मारे बुढ़ापो आ गयो आंतड़िया अंतर दे उतर दे दियो और अब आंखें दिखे नहीं अब शिकार मारू वे नहीं यूं जंगल में भटकता फिरो। लौंकी ने पूछे तो करनो कई मने क्यों नकल करी उड़ी शेर दिया ली के कहीं कोनी 20 फुट मारा सु आगे बैठ जा दे और मारी आंख लाल वे उनटे मने इशारो कर दे दी मैं जना शिकार पकड़ ले। अभी ये मैं कहूंगी को फेरे नहीं के आंख लाल तो शेरवारी वे हियाली कद्दू थी। अब लौंकी भाई है तो हम ही बैठ गया हियाल जी अड़ी के तलाव दी तीर माते बैठा किस्मत बेचारे रा पोचा जो हाथी आवे पानी पीऊ हाथी पानी पीन हियाल जी जिन तुम मेरे माते बैठा उन रस्ते हूं हाथी जी निकली आए लौंकी भाई 20 फुट आगा बैठा आंख लाल वे तो इशर दे बापड़ी ये कहीं देवे हाथी राम जी है जो सीधा हियाल जी रे माते आगा पाचा हुए हियाल जी देखे बेटी कोई शिकार है कोई जेसीबी कठी कोई कंट्रोल करो। अब हियाल जी ने आ और हूंड रे मायने गालन ऊंचा करिया लौंकी बाई के बाप जी हमें हुई है राती तो एड़ा अधूरा चेला करने दुख पड़ जावे कि नहीं नकल करन चेलो नहीं बढ़नो है आत्मविश्वास होना चाहिए और एड़ी भक्ति होनी चाहिए अधूरी भक्ति का ही काम है।
अड़ी भक्ति कोई कामली नहीं, ऐसी भक्ति ना की दिए जग में होवे हंसी। अड़ी भक्ति करा जगत में हंसी उजावे, भक्ति करो तो मीरा जैसी। हैं आज आपने रास्तान रे मायने मीरा मीरा क्यों है? क्यों भगवान कृष्ण जी प्रेमा भक्ति मीरा जैसे, दुर्जी जैसो ध्यान, गोरख जी जैसो ज्ञान, प्रहलाद जेड़ो विश्वास, कबीरदास जी जेड़ी कथनी, और मीरा भाई जैसो प्रेम, ऐसी है। और लपड़ा गना है, कुटुंब संबंधी कहे लाहौर लाहौर, अजागरे की लूट पटियाला बैठ खाई, हरिद्वार का रास्ता सहारनपुर होते जाई। हरिद्वार जानो है तो तीर्थ करने जाओ गंगा जी तो सहारनपुर बीच में आया करे, सहारनपुर है गुरुदेव का सरना। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। अरे मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरा संकट जाए सब एक तेरे। मन सीताराम मन मन सीताराम सीताराम रटे रे, तेरा संकट बहुत विसायो। अरे प्रहलाद ने बहुत सतायो, आहिरे ना कुछ बहुत विसायो, अरे प्रहलाद ने बहुत सतायो। हरि खंभ में भैया प्रगट रे, तेरा संकट जावे सब कतरे। मन सीताराम मन राधे कृष्णा रटे रे, तेरा संकट जावे सब कतरे। प्रभु
आया करी नहीं देरी, प्रभु चीर में भया प्रगट रे, तेरा संकट जावे समकट रे। बोलो सारी है के नारी है, नारी बिच सारी है, बोलो नारी एक सारी है, सारी बिच नारी है, नारी एक सारी है, सारी बिच नारी है। सब करते रे मन सीताराम, मन सीताराम, सीताराम रटते रे, तेरा संकट जावे सब करते रे। मन राधे कृष्णा रटते रे, तेरा संकट जावे सब करते रे। विश्वकर्मा भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो बजरंग बली की जय हो। ना विद्या ने बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोपत दीन गरीब की थे पथरा को श्री राम। अरे मोपत दीन गरीब दी हरी पथरा की जो राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सैद सुखराशि। एक ही जगह ऐसी खाली नहीं जहां परमपिता परमेश्वर का वास नहीं, हर जगह भगवान है। लिखते हैं जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। ओ किसी सूझ वाली, ओ किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान। भगवान का प्रिय भक्त था,
जिनका नाम था नामदेव। एक बार जंगल में रसोई बनाई आश्रम में, भंडारी जी आया तो ही सोगरा लेन रफू चढ़ कुता राम जी। देखो भगवान के अंदर ऐसा भाव होता है भक्तों को। अरे नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उड़ाई, अरे नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उड़ाई, वो पीछे भी रुको तो खरी, बोले रुको तो खरी, जरा लुकी मत खाओ थोड़ा घी तो लगाओ। गिलोड़ी लियोड़ा और लारे जा रिया है, मेरे प्रभु कोई रूप में आ जाते हैं सजनों। आज देखो रसोड़ी में बड़गा वे तो पाड़ा भोंग दो। बोलो नामदेव जी महाराज की। ऐसे संत वे महाराष्ट्र के अंदर पंडरपुर। उन दिनों नामदेव जी रो इष्ट साई हो विठल विठल गोविंदा, कुता राम जी प्रसाद करी उठे भगवान प्रगट होगा। वाह भक्त तू मने कुत्ते रे मई नहीं देखियो है तो उठे प्रसाद करी है और विठल विठल गोविंदा नामदेव जी ने गाया। क्यों रोटी विठल कर दी इन वास्ते विठल द्वार नाम रखी दियो। ओ मीरा प्रेम की दीवानी, प्रेम की दीवानी तीनी जहर वाली चाली, अरे वो तो गिरधर को बसाया हरे सांस में, वो तो गिरधर को बसाया हरे सांस में, काना भेजे काली नाक बोले दिन मेरे भाग, काना भेजे काली नाक बोले दिन मेरे भाग। अरे हाथ मोमत मिले, अरे हाथ गिरधर मिले सांप के निवास में, आज श्याम मिले सांप के निवास में, आवो आवो बल्ले हार काले कृष्ण मुरार, आवो आवो बल्ले हार काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा है भगवान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, जले जले में झांकी भगवान, इसी तरह सूरदास ने का हरि के भिखास, इसी तरह सूरदास ने का हरि के भिखास, अरे आया नजर नजारा घन श्याम का, आया नजर नजारा घन श्याम का, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, अरे आगे नैनों में रोशनी ज्ञान की, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, अरे जरे में झांकी है भगवान की, अरे जरे में झांकी है भगवान। ओ किसी सूझ वाली किसी बूझ वाली आ
पहचान की रे जरे में जाके भगवान की भक्ति धन्य की निरानी मिट्टी खेत बिच ताली भक्ति धन्य की निरानी मिट्टी खेत बिच ताली अरे वो तो संतों को जी माया बड़े भाव से वो तो साधों को जी माया बड़े चाव से बोली आव देखे ताव जिमे रुचे रुचे भाव बोली आव देखे ताव जिमे रुचे रुचे भाव अरे उन घर कोटी तो उन घर कोटी तो भर दी दान की उन घर कोटी तो भर दी दान की पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की चले चले में झांकी है भगवान हाँ भाई सचिन लड़िया ऑक्टोपस पे संगत कर रहे हैं ऑर्गन पे संगत कर रहे हैं भाई देवपाल सुमार आज की भक्ति संध्या कार्यक्रम में एक शाम गुरु विश्वकर्मा जी के नाम बटार बाड़ी सूरत गुजरात रिदम का सहयोग दे रहे हैं भाई सलमान मुंडवा और हमारे सूरत आने का विशेष सहयोग भाई श्रवण जी भाई साहब सारुंडा थोड़ो को आग्रह करे तो ही मारा तो घूगरा बन जा भाई श्रवण सैन डावरा श्याम को बताया निराकार में सारे जग में समाया सारे जग को दिखाया सारे जग में समाया सारे जग को दिखाया अरे मेहरबानियां है उस मेहरबान की मेहरबानियां है उस मेहरबान की अपन चीज लाया एक ही दुकान की पते पते में झांकी है भगवान चले चले में झांकी है पते पते में झांकी है भगवान अपन चीज लाया एक ही दुकान की
पते पते में जाती है भगवान की, जरे जरे में जाती है भगवान की। ऐ प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, बोलो सतगुरु देव की। गुरु नानक कबीर जग इतना वजीर, सारे जग में समाया सारे जग को दिखाया। अरे मेहरबानियां है उस मेहरबान की, और अपन सब चीज लाया ये एक ही दुकान की। एक ही जगह आया हूं और एक जगह जवाब देनो है। इन वास्ते परमात्मा रे भजन में संलग्न रहो, ऐसी कृपा हो जाती है प्रभु की। क्यों बाग बिना मिलता नहीं भली वस्तु का भोग, दाक फड़े बैसाख में हुए कागगढ़ रोग। भाग्य बिना ये सत्संग नहीं मिले। भाग्य जिनके अच्छे सौभाग्य है उन्हें दो घड़ी परमात्मा रो और सुनने वास्ते भजन मिले है। संत महात्मा तो कहे भाई जो दिन जात भजन भजन के लेखे वो ही दिन आवे गिनती में, बाकी सारा यूं ही गमा दिया। पर जको रात्रि है जको दिन भगवान रे सुमिरण में भजन में निकले वो ही दिन आपोरो सफल है। राम रुपया रोकड़ा, राम रुपया रोकड़ा और खर्ची खूटे नायम, श्याम सरी का सेठिया मारे बसे नगरी रे मां। बसे नगर रे मां हुंडियां फिरी न पाची, कोई पैसारी प्रीत प्रीत से टोरी साची। सावरी सेठ हूं सच्ची प्रीत नरसी मैथो लगाई, तो सात साधुओं ने आज तो कई चेक बन गया, पर पुराने जमाने में हुंडियां लिखी थी करोड़पति पार्टी होती दगे दन उन नाम हुंडी लिखी थी। नरसी मैथो जूनागढ़ रे मायने नागरी ब्राह्मण और भगवान रे भरोसे खरताला ले ली और वह 14 करोड़ माया है जो को लुटा दी, कोई मस्करी कर दी साधुओं रे साथे है। के भाई इन नगरी रे जूनागढ़ रे मायने कोई धनवंती सेठ कोई दो चार एक बोलिया महाराज नरसी में था। अब नरसी में तेरे खने कहीं उठे तो खरता ले सामरियो किरदार। फूरदास जी कई बेटा मोटा मोटा भजन करे, सात साधु और दरवाजे माते पहुंचे तूटे हुंडी कौन स्वीकारे, कुछ है ही नहीं। नरसी में तो भगवान रे भरोसे बा हुंडी जो को लिखी भाई पिंपले पेट रे मायने रख दी। भगवान आया रे मारे भक्त रे खाते इतनी बड़ी मस्करी कौन करी। सावरियो है तो उन संता ने 750 रुपया रोकड़ा दिया। ऐसी कृपा हुई भक्तारी, तो देखो प्रभु की लीला है। नरसी में तो नगर अंजार नानी रो भात भरने वास्ते जावे तो निर्धन हालत देखन उना डेरा कटे देवे तुड़ी ओड़ी छाना रे माई। नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, जब चीछड़ माछड़ घना बट खावे तोड़ तोड़, नहीं कोई राली गूदड़ो नहीं मोचे रे बाण। सूर्य सगा कर ली मस्करी भाई नहीं है जान पहचान। एड़ी जगह में डेरा दिया और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करे रे काना दिन तीन हुआ है मारे साथ कितनी दुमात हो रही है। देखो पैसा वाला री इज्जत है भाई, भक्त लोग कहते हैं ओ जीरे कन्हैया देव कीरा जाया, यशुमती राई हुले राजा, ये भगत बुलावे मेरा तू भाई।
है और सगारा डेरा हरिये बाग में वो तुम दिस में सजाया तुम दिस में सजाया ये भोलिए भगत ने देखो कटे बैठाया हो राम ए वो धीरे कन्हैया मखमल के तेरा लगाया प्रभु मखमल के तेरा लगाया ये नरसी जी ने फाटो गुदड़ ओढ़ायो राम मारे भोड़िए भगत ने फाटो गुदड़ अमृत भोजन प्रभु कंचन थाल लगाया कंचन थाल लगाया ये पानी रो तो पूछन कोई आया हो राम अरे माने पानी रो तो पूछन कोई आया हो राम ये मानदास सुन पाया ये सूरदास सुन पाया ये दुबकी दास सुन पाया खटकल खुलता मोहन दर्शन पाया ये प्रभु खटकल खुलता मोहन दर्शन विश्वकर्मा भगवान की जय सद्गुरुदेव की जय इन प्रकार भगवान के प्रति सच्चो विश्वास सच्चो भाव तो नरसी मेहता भगवान रे एड़ा प्रिय भक्त या
जिन घरे भगवान ने 52 बार आनो पड़ियो और संसार में सर्वश्रेष्ठ भक्त है नरसिंह मेहता जिन घरे भगवान 52 बार पधा दिया और नामदेव जी घरे 3 बार देवल फेर ने दूध पिलायो मृतंग गौ जीवाई 3 बार नामदेव जी रे आया। तो भगवान ने देखो वशीभूत कौन करे भक्त भक्त है जो भगवान सु बड़ करे। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान पूछियो लक्ष्मी इन संसार में भक्त मारू मोटा है मारू बड़ा कौन है भगवान रा भक्त। लक्ष्मी जी कैसा ठीक है जनो आजू कदी अटे पदारी तो मैं तो घूम तो काट न पुटी फिर जाऊ क्यों जेठ सा लागे मारे। विष्णु भगवान के आप तो अपूटा फिरियो पते मामला है गड़बड़ हो जाए। लक्ष्मी अपूटी फिर जा कहीं वे घर में भुआन फूफा है आ जा नोटबंदी हो जाए नहीं तो भगवान से बढ़कर कौन है भक्त। तो भी प्रेम भगवान ने ऐसा बांध दे धनाराम जी भक्त या जो को 12 महीना तक भगवान ने अलिपणो करा दियो त्रिलोकी रो नाथ जाटरे बन गयो हाली रे। बसमी लगावत शंकर ने बसमी बसमी लगावत शंकर ने अहिलोचन बीच परी ठरके अरे उनकी पुकार लगी शशि के जब अमृत बूंद पड़ी घर के बनराय भयो गर्राज कियो सुरभि सुत भाग्यो डर से अरे कवि गंग कहे सुन सा अकबर गौरी हसी मुख यूं करके। एक बार भगवान शिव देवादि देव महादेव आपरे तन माते मृत भस्मीरो लेपन करता था भारतवर्ष ने मायने 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के हैं और 51 शक्तिपीठ शक्ति के हैं 52वां पाकिस्तान के अंदर है माँ इंगलाज। तो 12 ज्योतिर्लिंग में उज्जैन माँ कालेश्वर उन ज्योतिर्लिंग रो नियम है आज रे दिन बटे भगवान शिव ने मृत भस्मी चढ़िया किया भस्मी लगावत शंकर ने अहि लोचन बीच परी ठरके अहि नाम सरपरो है लोचन नाम आंख रो है थोड़ी भस्मी है जो उचलन गोगो जी रे आंख में पड़ गई और वो फुफाड़ करियो के मुकुट रे माने दुनिया भर रा एंटीना फिट करियोड़ा महादेव जी कटे तो गंगा जी है कटे चंद्रमा है थोड़ी सी है जो टक्कर चंद्रमा रे लागी चंद्रमा में अमृत है सजनो पहला देव दानव मंथन करियो विश्वकर्मा जी बिन टाइम अमृत निकलियो समदरमु और चंद्रमा है जो को राक्षसी रूप कौन करियो राहु चंद्रमा ओले विष्णु भगवान ने कह दियो मोहिनी रूप बनान उठे आया देवता ने विश्वकर्मा जी अमृत पाऊने और मदिरा राक्षसों ने पिलाऊने आया चंद्रमा जो को साइड में ही खड़ा हो वो राहु है जो को एडो माया कर देवता रो रूप बनान बीच में लैंड में खड़ो हो गयो। चंद्रमा कहे महाराज अटी देखो मामलो डुप्लीकेट है बेटो हाँ भी खामो खाम अमर हो जाए जन उठे बिन अद राहु शीस कटाया सुदर्शन चक्र धारण करियो गुरु जी और उनो माथो काट दियो जनो राहु हो पहला फिर बाद में केतु बन गया राहु और केतु। तो चंद्रमा ने छोड़े को है नहीं आज रे दिन कदी कदी राहु री दशा लगे जनो चंद्र ग्रहण होया करे उन दिन सो दो रूप बन गए। अब वो अमृत हो जो देवता पी गया थोड़ो सो चंद्रमा में बसीभूत हो गयो चंद्रमा दूसरो अमृत है जो चंद्रमा में। अब तीसरो मोटो अमृत है जो सत्संग रे मायने सबु बड़ो अमृत है जो आपने मिल रियो है बोलो सत्संग महारानी की अहो भाग्य है आज विश्वकर्मा जयंती उपलक्ष में कितने भक्तों को ये प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए ये मौका मिला है अवसर है अपने आप को धन्य समझो। जिन दिन सत्संग नहीं मिले उन दिन आपने दुख होना चाहिए कि आज दो घड़ी भगवान रो भजन नहीं मिलियो है। तो अमृत है जो को राजा परीक्षित सुखताल पर
हरिद्वार थट के पास में सुखताल और वेद व्यास जीरा पुत्र सुखदेव मुनि जिन टाइम भागवत रसपान करावता उन टाइम सारा देवता है जो को कुंभ अमृत रो भरन लेन आया के मैं भी उठे वो थोड़ो अमृत पुरुष। ऋषि मुनि बोलिया नहीं देवता आज तो रहन दो, आज तो अमृत सुखदेव जी पारिया है। अब वो अमृत कहो सत्संग रूपी शब्दारो अमृत। तो वे सर्वण किन कामराजी नू नाम जीरो नाम नी सुनियो बे पाव केड़ा जटे भगवान रे शरण तक नहीं आया। वे हाथ केड़ा जका दान नहीं दिया, वो नेत्र क्या काम के जको भगवान रा दर्शन नहीं करिया। तो बा टक्कर लागी थोड़ी सी चंद्रमा में अमृत अमृत री बूंद है जो डोकरे रे बागंबर बिछायो उन्हें माते पड़ी और उनो कई बन गयो शेर। गर्राज कियो गर्जना करी सिंह, सुर भी सुत भागियो डर से, सुर भी नाम गायरो है और गायरो पुत्र नांदियो मां देवजीरी अश्वारी पूछड़ो ऊंचो करन हो रहा रहे। पार्वती जी ने हसो आयो के ओ हो देखो बाबे में बीती कभी गंग कहे सुनसा अकबर गबर हसी मुख यूं करके अपूटा फिरन पार्वती जी ने हसो आयो। एक भजन भगवान शिव का अरे सदा शिवी सर्ववरी दाता कलाम हस्तक परी चंदा की
सभी भक्तों के दया कर, तो ऐसा हो।
ऋषि मुनि देव गण सारे अरे ऋषि मुनि देव गण सारे अरे सब ध्यान शंकर का वो ऋषि मुनि देव गण सारे अरे वही ब्रह्मानंद आनंद में वही ब्रह्मानंद आनंद में उजागर हो तो ऐसा हो सदा शिव सर्वर दाता सदा शिव सर्वर दाता दया कर हो तो ऐसा हो बोलो शंकर भगवान की हो विश्वकर्मा भगवान की जय हो सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो अरे सब कष्ट भक्तों के दया कर हो तो ऐसा हो ऐसे कृपालु हैं भगवान शिव देवादि देव महादेव शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में रमे नित गिरिजा के संग में रमण धर हो तो ऐसा हो शीश पर गंग की धारा सुहावे बाल में लोचन त्रिलोचनी आंख वाला बाबा जी है और आदमी के तीन गुण है रज तम और सत रजोगुण ब्रह्मा जी रो है सतोगुण विष्णु भगवान रो है और तमोगुण महादेव जी रो है क्यों अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसी का क्या करे जो भक्त हुए महाकाल का भगवान शिव के जो भक्त हैं उन्हों काल भी कहीं नहीं कर सके तो त्रिलोचनी बाबे आए आंख वाला है महादेव जी रमे नित गिरिजा के संग में रमण धर हो तो ऐसा हो सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने रावण है जो महादेव जी रो प्रिय भक्त हो और एक बार महादेव जी पूजा करी 10 पुष्प कम पड़गा अब देखियो लंका में कौन जाई पाछो आप रामाथा काटना चालू कर दिया एक पुष्प री जगह माथो लगावे दूसरो आ जावे तीसरो काटे चौथो आ जा करता करता रावण ने 10 पुष्प कमती भये जब शीश काट अर्पण किया गिरिजापति खुश होई के वरदान हमको दे दिया है मंडोदरी मैं महादेव जी रे माथेरा पुष्प चढ़ान आलंका ली हूं और इतो वरदान साली हूं जको एड़ा राम और लक्ष्मण तो मारे सामी टिके ही कोनी ओ वरदान कौन दियो महादेव जी सिरों को काट कर अपने किया जब होम रावण ने दिया सब राज दुनिया का दिलावर हो तो ऐसा हो एड़ो दिलदार महादेव जी पिता के यज्ञ में जाकर तजी तब देह गिर जाने अब 52 शक्ति पीठ रो जो को उत्थान हुयो प्राकृतिक भाव हुयो कटु हुयो सती नामरी राजा दक्ष री पुत्री हुई और महादेव जी ने प्रणाया जब से लगता है ओम नमः शिवाय शिवा नाम था उसका पिता के यज्ञ में जाकर किया जब तजी तब देह गिरिजा ने किया विध्वंस पल भर में भयंकर हो तो ऐसा हो सजनों उठे 60,000 गणों रो खात्मो हुयो राजा दक्ष रे यज्ञ रे में इतनी बड़ी बात ही महादेव जी क्यों तीसरी आंख खोल दी अब ढोकरो विकराल हो जावे उन्हें रोकनी हो कौन जना कने कने ढोकरो विकराल हो जावे तांडव नृत्य हो जावे महादेव जी और प्रश्न हो जावे तो कई लंका लुटा दे डोकरो अब रतन जब 14 निकले शीर सिंधु के मंथन से पिया शिव जहर का प्याला विसंदर हो तो ऐसा हो उन दिन सो महादेव जी नाम नीलकंठ महादेव पड़ गयो महादेव जी का किता अलबेला नाम है किता अनोखा नाम है भाकर माते मिंद्र बन गो पाड़े स्वा
पिंपली रे नीचे पिंपलेश्वर, बड़ले रे नीचे मंदिर बड़लेश्वर, शमशान घाट में तो भूतेश्वर, स्कूलिया चंदो करने एक महादेव जीरो मिंद्र करायो जोधपुर में, और बाकी काम सब कंप्लीट हो गयो, दरवाजा लगाना बाकी रहेगा, मिंदर री जोड़ियों छड़ानी बाकी रह गई। अब पाछो टिप्पणी करने गया तो बेचारों ने कोई चंदो दियो को नहीं, तो बेटा हैंग भील परा नाम लिख दियो कड़केश्वर महादेव, क्यों कड़की आएगी, बोलो शंकर भगवान की। ऐसे नाम है दीन दयालु के, दयालु के। अरे हरे सुन लो सातीना, हरे सुन लो सातीना, सत गुरु साथा ने जान बतावे रे, सुन लो सातीना। अनपढ़ कोई ना रही जोरे, ग्रामीण जाति मायने बिरा अनपढ़ कोई मत रही जो, ए अनपढ़ कोई मत रे जोरे, पटियोड़ा ने पंच बुलावे, पटियोड़ा ने पंच बुलावे, आगा सुने जो सातीरा, सतगुरु साधा ने ज्ञान बतावे रे, सुने जो सातीरा। जागीरदार जरबासु मारे, जागीरदार जरबासु मारे, खोस खोस धन खावे रे, जागीरदार जरबासु मारे, अनपढ़ के भतलावे, अरे भाया खोस खोस धन खावे रे, लिखियोड़ा काग दिया माने, अरे भाई लिखियोड़ा सुनावो रे, सुने दो सातीरा, सतगुरु सा खाने ज्ञान बतावे रे, सुने दो सातीरा। सब मिले सुखड़ो पावारे, काबरिया पटे जावे लाया पना, सब मिले सुखड़ो पावारे, पटियोड़ाया कासा बिच में, ये पटियोड़ाया कासा बिच में, मार्ग गाले रे, सुने दो सातीरा, सतगुरु साखा ने ज्ञान बतावे रे, सुने दो सातीरा।
बोलो सत्य गुरुदेव की जय हो, विश्वकर्मा भगवान की जय हो। इतो पड़ी वड़े हूं फायदो है, जागीरदार जरबांसू मारे घोस घोस धन खावे, अनपढ़ियरा घना घना फायदो उठा ले। कोई बैंक में अकाउंट नंबर वे ना आप वाला उठा नहीं वे नहीं, एटीएम बेटो पड़ोसी उतार ले वो खपे जड़े तो पार क्यों। अबार सरवण जी भाई साहब बतायो पढ़ाई बिना कुछ नहीं। अब ठोट रीन कमजोर रीन होशियार की बात है, दो लड़का जो मार साहब कोई मौखिक परीक्षा ले उठा, तो एक बच्चो बड़ो टैलेंट हो और उन्होंने नंबर आयो। अब माँ ने उन्हें प्रश्न कैडा पूछिया, भारत के राष्ट्रपिता के मार साहब महात्मा गांधी, देश आजाद कब हुआ 15 अगस्त सन 1947, चंद्रमा पे क्या पाया जाता है कि वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। अब तीन प्रश्न पूछिया, तीन और उत्तर बच्चों सही दे दिया, राइट राइट ठोटियो बारे उबो उन्हों नंबर आयो। अब बेटो वो होशियार टाबरियो जो को मामलो गड़बड़ कर दियो, उत्तर उत्तर बता दिया बेचारे ने। हमें माँ ने ज्ञान प्रश्न चैन चुगा उन ठोटियर नंबर आयो मौखिक परीक्षा देव ने जनो मार साहब तो पूछियो देखो नी होशियार की तो के तेरा नाम क्या है के महात्मा गांधी क्यों उन्हें तो पूछियो कि भारत के राष्ट्रपिता के महात्मा गांधी बहुत होशियार उत्तर दे दिया। वो बेटो बारे आन पूछे के माँ कहीं पूछे रे के उत्तर उत्तर बता दिया, तो वो रट लिया नकल कर ली वो। अब माँ ने नंबर आयो पूछियो तेरा नाम क्या है के महात्मा गांधी, अच्छा आप ही जो कही डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा जन्म कब हुआ के 15 अगस्त सन 1947। मार साहब के बेटो मारा कोई पड़दा दोग लागे, मार साहब के पागल है क्या के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की, एड़ा टाबरियों में हाल हो जावे नहीं पढ़े जन बोलियों ने कई दुख। एक भाई कोई ऊंट चराव तो जो को खेड़ीर नीचे हुई गो नींद आएगी ऊंट यो मोरी गाली छोड़ी चरने दे क्यों चरण आ जाए। भाई तो खेड़ीर नीचे हु तो ऊंट यो है जो को पार हुगो गणा खेतों पार हुगो। अब दिन बदन डूगो ने अटी उटी हो दे रहे आप भूलनी आदत ज्यादा है उन्हें याद को रेव तो जैसे कोई एक होशियार भैसा निकलिया मोर सरुण जी भैसा बाल दे बोले भैसा के हाँ मैं ऊंट वो गमगो मारे हमें उन्हें आई ठाको नहीं कि मैं चरा उन्हें कहीं आयो वही भूल गयो। बोले कह देना उनको आप घर जाओ गांव में के हाँ के कह देना उनको कि जिनके हम है मैं पति की ना हो वो ने कह दे जो खो गया है वो जिनके ये है सैंपल मींगना। बोलो सतगुरुदेव की तो ये की।